एक ऐसी शख्सियत जिससे आज हम मुलाकात कर रहे हैं, जिनका नाम है मंगल ढिल्लो साहब, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं किरदारों के नाम से कहीं जाने जाते रहे हैं, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी रहे हैं और साथ ही साथ कुछ नई विधाओं के साथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को काबिज करते रहे हैं। मंगल ढिल्लो साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जिंदगी में बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इंसान सोच कर आगे बढ़ाता है। कहाँ आपने ऐसा सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में आना है और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक मुकाम बनानी है? मैं बेसिकली इसको तकदीर मानता हूँ, भाग्य, क्योंकि बहुत लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सब नहीं बन पाते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं। अब मैं अगर उसका क्रेडिट लूँ, मैंने ये सोचा, ये किया, नहीं, तीर मारा नहीं, मेरा भाग्य था। भाग्य फिर वैसी स्थितियाँ बनाता है, वैसे लोगों से मिलवाता है, वैसे रास्ते खोलता है। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे स्कूल टाइम में नाटक करने, अनजाने में यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना, और ये करते करते उसके बाद मैं घर में ऐसा चलन नहीं था, घर वाले हमारे जाट लोग सरदारों में ढिल्लो, तो इस चीज के खिलाफ थे, क्योंकि एक बहुत छोटी सी जगह से आप आए हैं इस इंडस्ट्री में। दोनों ही छोटी जगह थी, पंजाब में वांदा जिटाना गांव हमारा फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में, और यूपी में निघासन लखीमपुर खीरी जिले में, दोनों ही बड़ी छोटी जगह थी, पिछड़ी हुई। तो वहां से बॉम्बे तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, तो भाग्य ने मेरी मदद की, ऐसे विचार दिए, ऐसे लोगों से मिलाया। फिर यूपी से मैं मुक्तसर आया, मुक्तसर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन किया था। वहां से परिवार ने सपोर्ट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इस चीज के खिलाफ थे, वो भांडगिरी और ये बड़े अजीब शब्द इस्तेमाल करते थे, और वो शर्मिंदगी महसूस करते थे कि भाई हमारा लड़का कुछ पूछता क्या करता है, तो कहते हमको नहीं मालूम क्या करता है। तो खैर, वहां से मैं आके मैंने यहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया चंडीगढ़ में, इंडियन थिएटर, वहां से मुझे गोल्ड मेडल्स मिला। उसके गोल्ड मेडल मिलने के बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली में कमर्शियल वॉइसिंग की और कुछ थिएटर किया, वहां से बुनियाद मिला, बुनियाद से मैं बॉम्बे, मेरी बुनियाद बुनियाद से पढ़ी 1986 या 1986 में, रमेश जी का सीरियल था, तो उससे मेरी बुनियाद पड़ी। देन फिर जुनून, घुटन, मंजिल, साहिल, पैंथर, मौलाना आजाद, नूर जहां, खून भरी मांग से आपने 1988 में शुरुआत, खून भरी मांग मेरी पहली फिल्म थी, जो पहली शुरुआत मैंने की, जख्मी औरत, खून भरी मांग, आखिरी अदालत। पहली बार जब कैमरे को फेस किया तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वेल, एक अजीब जुनून था। मैं यहाँ संघर्ष इतना कर चुका था थिएटर में, तो एक कुछ करके दिखाने का एक जुनून था, तो कैमरे को तो हम एक चैलेंज के तौर पे लेते थे। जुनून जो पंजाब का पानी है उसका सर खून नहीं था, ये मान लीजिए। नहीं, क्योंकि पंजाब का जो पानी है, जिस तरीके जब जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ सिंगिंग लाइन में आया हो, कुछ नए आयाम पैदा जरूर किए पंजाब, पंजाब से निश्चित रूप से बहुत सारे जुनूनी लोग पैदा हुए हैं। लेकिन फिर मैं बात वही कहूंगा, भाग्य, भाग्य में होता है तो फिर आपको ऐसा जुनून भी आता है। तो ऐसे करते करते फिर बहुत सारी फिल्में की, जिनमें मेरी आखिरी फिल्म शुरुआत जख्मी औरत से या इनसे हुई, लेकिन उसके बाद में युगांधर है, घुटन है, ये क्या नाम, अंबा है, युगांधर की तो शूटिंग यहाँ जयपुर में हम लोगों ने की थी, और आजाद देश के गुलाम है, मुझे फिल्मों के नाम तक भूल गए हैं, बहुत सारी। आखिरी फिल्म मेरी जानशीन थी के साथ में, और आखिरी सीरियल मेरा नूर जहां था, जी जी, जिसमें मैंने शहनशाह अकबर का रोल जी किया। जी जी जी। लेकिन यहां तक आते आते कुछ अलग से ख्याल आने लग गए कि अगर मैं सीरियल करता हूं, फिल्में करता हूं, पैसा बनाता हूं, नाम शोहरत बनाता हूं, तो इसका आम लोगों को क्या फायदा, हमने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या किया। ये जो ख्याल आने लग गए कि मेकअप कर लिया, कॉस्ट्यूम पहन लिए, और आपने किसी का लिखा हुआ संवाद बोल दिया और पैसे लेके घर चले गए, लेकिन समाज के लिए कुछ करें, तो इस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। मैंने पहली फिल्म बनाई खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी का सारा जीवन काल था। जी जी जी। उसके बाद में अडे दी गोल्डन टेंपल, दरबार साहब, हरिमंदर साहब के बारे में। ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स रही है वो पंजाब बेस्ड रही है। उसका रीजन था कि देखिए, हिंदी में तो बहुत सारी फिल्में लोग बना रहे हैं, पंजाबी में फिल्में ही बना रहे हैं, और हिंदी में अगर हम देखें तो हमारे किसी भी भगवान को छोड़ा नहीं गया, सब पे बना दिया गया, कोई देवी देवता नहीं छोड़ा है। इस्लाम में मुसलमान भाई बनाने ही नहीं देते हैं कि आप मोहम्मद साहब को नहीं दिखा सकते। सिखों में भी पाबंदी थी कि आप गुरु साहब को नहीं दिखा सकते, उनको लगता नहीं है कोई एक्टर उनके लेवल की शख्सियत उस लेवल की हो सकती है, और उनको कॉपी करना मतलब उनकी नकल करना है, तो अलाउ नहीं करते। तो मुझे लगा कि जो सिखिज्म है, मैं सिखों के घर में पैदा हुआ, ये एक वर्जिन फील्ड है, कोई कोशिश नहीं करा, तो मुझे करनी चाहिए। हमारे सर पे हमारे शहीदों का कर्ज है कि हमने वो इतिहास बताया नहीं, तो इससे मैंने प्रेरित होकर बनाना शुरू किया। तो मैंने 10-12 फिल्में बनाई, उनको दुनिया भर में दिखाया, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको सराहा। ये करते करते जब मैं गुरबाणी दे कौतक, मिरेकल्स ऑफ गुरबाणी तक पहुंचा,
वहां से मेरी एक कह लीजिए एक्चुअल टर्निंग पॉइंट आया, वो एंडलेस है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ। मुझे ये पता लगा कि ईश्वर के नाम में कितनी ताकत है। ये वहां आके पता लगा जब मैं ऐसे लोगों को मिला जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और हरिनाम से वो लोग तंदुरुस्त हुए। पांच ही हुए हैं, अच्छा मिनट पांच ही हुए, मिनट पांच ही हुए लाइट आए। तो मैंने कैसे आई, कल एक आदमी आया था तो उसने कहा मैं आपका जुगाड़ कर देता हूँ, इंतजाम कर देता हूँ, बाकी आप मेजर फॉल्ट आप सोमवार को ठीक करा लीजिएगा। तो मैंने कहा वो आदमी कहाँ, कहने लगा वो चला गया। तो मैंने कहा आप उसको जानते हैं, कहना नहीं, तो मैं इसको क्या मानूंगा। मेरे लिए तो ईश्वर स्वयं आके वहां वो करके गए कि तू मानेगा कि नहीं, मैं तेरे साथ में हूँ, चल करिए मेरा काम। तो तब से मैंने 15-20 साल हो गए मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ और अब मैं पूरी तरह समर्पित। एक आश्रम हमने लुधियाना के पास बनाया है, समराला के पास, नीलों कला। एक हमने निघासन में बनाया है, लखीमपुर जिले में, डिस्ट्रिक्ट खीरी में। तो वहां हम जाके गांव गांव जाके लोगों को हरिनाम से जोड़ते हैं। अच्छा। तो जो मेरी कन्वर्सेशंस हुई, पहले मुझे 90% यकीन था लेकिन 10% डाउट था। कमाल करता, मैं इसी में खुश हूँ कि मालिक ने मुझे सिलेक्ट किया। स्पिरिचुअल की जो फिल्में, जो अध्यात्म की फिल्में बनती है, उसमें अक्सर कहीं ना कहीं समाज के लोग एक नई कड़ी के साथ जुड़ने की कोशिश तो करते हैं कुछ लोग, परंतु कुछ लोग एक नई नेगेटिव पॉइंट भी निकाल लेते हैं। जैसे आप देखिएगा कभी रामायण बनती है, कभी कोई और फिल्में बनती है, तो कहीं से कहीं तक ऐसे राम नहीं थे या ऐसी जगह नहीं थी, ये सारी चीजें भी तो कहीं फेस करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा है, हम हैं नाम मार्गी, हमारे लिए राम हरि अल्लाह वाहेगुरु गॉड एक ही के नाम है। ये ऐसी बात है कि जैसे तीन लोग झगड़ा कर लें सूर्य को लेके, एक है सूर्य है ये मेरा सबसे ज्यादा चमकता है, एक है मेरा आफ्ताब है, एक है मेरा सन बढ़िया है, तो तीनों बेवकूफ लोग हैं, उनको मालूम नहीं एक ही है, इसके नाम अलग अलग हैं भाई। बिल्कुल सही। तो अब कहने को कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये कलयुग है। ठीक है, मानते हैं इसको कि कलयुग है। यस, ये कलयुग है और घोर कलयुग है और नेगेटिव फोर्सेस बहुत ज्यादा बहुत में। अध्यात्म आने से पहले पता था जब फिल्म इंडस्ट्री में देखी वाकई में कलयुग है, क्योंकि वो जो दुनिया है वो अलग सी दुनिया, कलयुग की दुनिया। बॉम्बे में संत भेज दिए बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं हमारे गुरबाणी की तुक है कि बाह पकड़ गुड़ काट या कीना अपनाया, तो वहां संत को भेजिए तो बिगड़ जाएगा, लेकिन ईश्वर ने कृपा करके मुझे वहां से निकाला, सही रास्ता दिखाया और मैं, मेरे पास हजारों लोग हैं दुनिया भर में और मैं ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर किसी को वीट एलर्जी है। आपको नहीं लगता जो फॉलोअर्स आपके फिल्म इंडस्ट्री में थे उतने फॉलोअर्स अब उसी को आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से हमने देखा है कि एक समय था जब जबरदस्त फॉलोअर्स आपके। देखिए ऐसा है, मुझे फॉलोअर्स उस तरह से नहीं चाहिए। मेरे से फोटो खिंचा लिया, ऑटोग्राफ ले लिया, सेल्फी खिंचा ली, तो उससे उसको क्या मिला, ऐसे थोड़ी देर की खुशी मिल गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर किसी को डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ कि इसको ले जाओ, ये 20 दिन का मेहमान है, ये 6 महीने का, ये 3 महीने का मेहमान है, और हमने उसको तरीका बताया और वो ठीक हो गया, तो सेल्फी नहीं खिंचाता है, वो मेरे पाँव नहीं छोड़ता है, मैं उसे लाख कहूँ कि मेरे पाँव नहीं पकड़ना, बाबाओं ने यही गड़बड़ किया है कि अपने पाँव पकड़ा लिए, नहीं, तुमने ईश्वर की शरण में जाना है, अल्लाह की वाहेगुरु की शरण में जाना है, उसका नाम लेना है, जपना, उसकी याद में रहना है और माफी मांगनी है, बस इतना ही करना है, दया करनी है, भेदभाव नहीं करना है, नेक बनना है, दशाखोरी नहीं करनी है, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और मेरे पास हजारों लोग हैं, आप यूट्यूब पे मंगल ढिल्लों चैनल पे जाइए, बिल्कुल देखा, ठीक है, या आप गूगल पे मंगल ढिल्लों डाल दीजिए, मेरे चैनल पे या sikhfilm.com पे ले जाएगा, तो वहां एविडेंस वीडियोज हैं। मैं हवा में बात नहीं करता हूं, मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं, साइंटिफिकली बात करता हूं, लॉजिक के साथ बात करता हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं किसी चीज को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब इतने सारे लोग, कैंसर के लोग, सार्कोडाइसिस के लोग, वीट एलर्जी के लोग और ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टरों के पास इलाज तो है ही नहीं, डॉक्टरों को बीमारी नहीं पता लग रही है क्या है, वो गुरबाणी से ठीक हुई है, तो हम कहते हैं तू गायत्री मंत्र सुन ले, ओम की चैंटिंग कर ले, लेकिन उसमें जुगत क्या है, तूने सुनना है अपनी आवाज को सुनना है, ये टेक्निक गुरु नानक की है, मतलब कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, आप कान में लगा के सुनिए, आंखें बंद करके सुनिए, आप खुद पाठ करें, जाप करें, तो अपनी आवाज को सुनिए। कोई भी आदमी, मैं आपके चैनल के जरिए कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान से कह रहा हूं, आप मुसलमान हो तो कुरान शरीफ की कोई आयत लीजिए, नहीं याद है तो अल्लाह अकबर कीजिए, आप गायत्री मंत्र लीजिए, आप हरिओम तत्सत लीजिए, ठीक है, आप वाहेगुरु लीजिए, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु लीजिए, मूल मंत्र लीजिए, आंखें बंद करके जपिए हल्की हल्की आवाज में जो आपके कान तक जाए, उसको सुनिए। आपको 3 महीने में अगर जवाब ना मिले तो मुझे आके बताइए, मुझे फोन कीजिए, आपके चैनल के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाबा भी बीमार है, पंडित भी बीमार है, मुल्ला भी बीमार है, पुजारी भी बीमार है, क्यों, कोई सुनता ही नहीं है, बाहर लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं लेकिन सुन कोई नहीं रहा। तो जब हरिनाम
अल्लाह का नाम, मालिक का नाम कान के जरिए आपके अंदर जाएगा नहीं, तो आपकी आत्मा में जो संचित पाप कर्म है, जिनकी वजह से आप बीमार हैं, परेशान हैं, कुंठित हैं, जब वो धुलेंगे नहीं तो आपको राहत कैसे मिलेगी? राहत नहीं मिलेगी तो आपको विश्वास नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा तो आप जपेंगे नहीं। ये एक बहुत कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोगों से कहते हैं कि किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ना मेरे पांव पड़ने की जरूरत है, सिर्फ ये कर लेना अपने धर्म के हिसाब से, तुझे सिख बंदे की जरूरत नहीं है। सही है, बस ये सुनना, ये कुंजी है, गुरु नानक का रास्ता है, सुनिए दुख पाप का नाश, ये गुरबाणी में आता है, सुनिए 68 का स्नान, ईश्वर का नाम सुनने से 68 तीर्थों का स्नान हो जाएगा, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सारे भेद सारे योग तेरे अंदर ही हो जाएंगे, तो हरिनाम को जप और सुन, इससे बड़ा योग नहीं है, लेकिन सुनना बड़ा मुश्किल है, मन भाग जाएगा, क्यों, पाप कर्म किए हैं। तो क्या करें, रात को अपने पास, मैं फिर आपके जो दर्शक हैं उनसे कह रहा हूं, रात को, आजकल मोबाइल फोन के अंदर ही, हालांकि मोबाइल फोन ने लोगों को बर्बाद कर रखा है, इसका लाभ लीजिए, इसके अंदर ही ऐप में गुरबाणी है, ओम चांटिंग है, जो भी आपको मिल जाए, ये गायत्री मंत्र है, ये आप डाउनलोड करें और उसको रिपीट पे लगा के सो जाए रात को, हल्के वॉल्यूम पे 3 महीने चलने दीजिए, आपके अचेतन को सुनने दीजिए, वो रात को अचेतन जागता है, बिल्कुल जागता है, वो आपकी सांसें चलाता, सपने दिखाता, एक दिमाग जीवित रहता, हाँ, हड्डी मांस मज्जा बनाता, उसी को सुनाना है। ध्यान की सारी प्रक्रिया इसी पे केंद्रित है कि ये जो बातें कर रही है, ये चेतन है, ये बंदर है, ये सुनने नहीं देगा, ये भाग जाएगा। तो मंदिर में जाके प्रसाद बांटना और सफाई करना और दान देना, ये सब बड़ा आसान है, चुपचाप बैठ के आंखें बंद कर सुनना बड़ा मुश्किल है। तो रात में जब आप सो जाते, बंदर सो गया, तक के चेतन सो गया, अचेतन जाग रहा है, तो अचेतन को आपने सुनाना शुरू किया, आप 3 महीने में देखिए, या जलवा देखेगा, फिर आपको नहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं कबीर के उस जो निरंकारी कबीर था, या जो वैसा कबीर था, उसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं? मैंने आपसे शुरू में कहा, हम नामार्गी हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, और हम गुरु ग्रंथ साहब में सभी आ जाते हैं, कबीर भी आ जाते हैं, गुरु नानक आ जाते हैं, ये क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने सारी परिपाटियां तोड़ी हैं, सारी रूढ़िवादिताएं, सारी परंपराओं को। परंतु जिस तरीके से अब देश के अंदर सियासत और सियासत के साथ जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म विशेष को लेकर बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन सारी चीजों से कहीं एक नया जुड़ाव पैदा होगा? देखिए, जब सियासत और धर्म मिल जाते हैं तो मतभेद पैदा होते हैं, राइट्स होते हैं। धर्म को सियासत से अलग रखना चाहिए, क्योंकि धर्म इंसान की बड़ी नाजुक रग है, और हमारे सियासतदान उसी रग को पकड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो धर्म इतनी नाजुक रग है, इसी कारण इतने सब जो बाबा और ये सारी चीजें, ये सब देखिए, ऐसा है कि हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं, पानी से बाढ़ आ गई तो मर भी जाते हैं, आग के बिना जीवन नहीं है, आग जला भी देती है। तो धर्म को इस्तेमाल करके, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो धर्म को इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना के पैसे इकट्ठे करता है, पैसे जमा करने लगा हुआ है, लोगों का शोषण करता है, उससे बड़ा दुष्ट और उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। अरे भाई, और बड़े तरीके हैं पैसे कमाने के, दलालों के पास बड़े पैसे होते हैं, ठीक है, तवायफों के पास बड़े पैसे होते हैं, पैसे बनाने के बड़े तरीके हैं, लेकिन हरिनाम के जरिए तो पैसे मत कमाइए ना आप, हरिनाम के जरिए तो आप पुण्य कमाइए, महापुण्य कमाइए। मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के, नाम शोहरत सब छोड़ के, गांव गांव जाता हूँ, मेरे यूट्यूब पे आप देखिए, सत्संग पड़े हुए हैं, मंगल ढिल्लो चैनल पे जाइए तो वहाँ गांव गांव के सत्संग क्लिप्स मैंने डाले हुए हैं, आप उनको जाके देखिए। तो वहां मैं जाता हूँ, अपने पैसे से जाता हूँ, उनसे कुछ लेता हूँ, तो गरीब लोग क्या देंगे मुझे, बल्कि वहां बांटने जाता हूँ, कंबल वगैरह हम बांटने चले, ठंड हो तो अब दवाइयां बांटने की योजना है, तो मेरा खाता उसके साथ चलता है। जब आप निष्काम होके, बिना किसी लालच के किसी के लिए कुछ करते हैं, इंसान के लिए कुछ करते हैं, तो ईश्वर आपको कैसे नवाज देगा? अगर आप महापुण्य कमाना चाहते, देखिए पुण्य कमाने के बड़े तरीके हैं, लेकिन एक महापुण्य, तो महापुण्य आप कैसे कमाएंगे? महापुण्य कमाने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी आदमी को किसी तरीके से लॉजिकली कन्विंस करके भगवान के नाम से जोड़िए। अगर आपने उसको भगवान के, अल्लाह के, वाहेगुरु के नाम से जोड़ दिया और वो लग गया, तो उसकी कुल का उद्धार हो जाएगा, उसका जीवन बदलेगा और आप महापुण्य के हकदार हो जाएंगे। और कैसे पता लगेगा महापुण्य आपके खाते में आया कि नहीं? आनंद से, बेफिक्री से, बेगर्जी से, आपको परवाही कोई नहीं होगी, आपका काम चलेगा। आप हरि का काम करिए, हरि आपका काम करेगा। जो जानना चाहे मुझसे मिले, मैं एग्जाम्पल उसको दिखाऊंगा कि मैं छोड़ देता हूं उस पे और वो करता है। मतलब ये आप ये चाहते हैं कि ये जन्म तो सुधरे ही सुधरे, उसके बाद अगला जन्म भी। एग्जैक्टली, मतलब आप देखिए, कहते हैं कि कर्म पीछा करते हैं। एक सिंपल बात है, कर्म प्रारब्ध भाग्य। भाग्य तो जैसे आपके यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, ये कर्म है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आता है, ये प्रारब्ध है। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, ये भाग्य है। और उसके बाद पदवी मिलती है,
पोस्ट मिलती है, तो अगर मेहनत की, पढ़ाई की, तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छे नंबर वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छी पोजीशन मिलेगी। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छी प्रारब्ध, अच्छा भाग्य और अच्छा जीवन। तो अगर आप कोशिश करें कि मैंने बुरा काम नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, कोई नशाखोरी नहीं करनी है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी है, तो अगर आप ये ऐसा करते हैं और साथ में ईश्वर का नाम भी जपते और सुनते हैं, तो आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं है। चलिए, पंजाब के लिए खासकर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नशे से लिप्त हो गया है पंजाब, तो कहीं आपका जो ये स्पिरिचुअलिज्म है या अध्यात्म है, ये गुरबाणी है, ये कहीं वहां पे सहयोग देगा? बिल्कुल, मैंने नशों के ऊपर फिल्म बनाई सर्वनाश। जी सर्वनाश, उसमें भी हमने एंड में दिखाया एक नीदरलैंड का आदमी था जो नशे नहीं छोड़ पा रहा था, एडिक्ट था, और उसने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ पाया। उसकी बीवी ओवरडोज से मर गई और उसको लगा, किसने बताया कि यहाँ कुल्लू मनाली में सस्ता नशा मिलता है, वो सब बेच बाज के जा रहा था। मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो चैनल, बिल्कुल देखा। तो वो गोरा सरदार बना हुआ, तो उसने कहा कि मैं जा रहा था, मैंने उसको भी डाला उस फिल्म में कि हरिनाम से आपका नशा छूट सकता है, अगर डी एडिक्शन सेंटर में जाके नहीं छूटता तो हरिनाम की शरण में आइए, देखिए नशा छूटता है। तो उसने कहा कि मैंने सोचा वहां तो मर ही जाना है, नीचे तो आऊंगा नहीं, एक बार चला गया पहाड़ों पे, तो गोल्डन टेंपल है जरा देख लें, सिखों का मक्का है। तो कहा जब मैं वहां आया और देखा तो मैं ठका खड़ा रहा, तो बरामदे में बैठ गया, शाम तक बैठा रहा। तो कहना मैंने अचानक मुझे महसूस हुआ कि यार मुझे तो नशे की तलब नहीं लगी, वरना मुझे हर घंटे बाद चाहिए ज्वाइंट। तो कहना मैंने यहीं बैठे रहो, तो शाम तक वो बैठा रहा, भूख लगी तो लंगर में जाकर खाना खाया, कई दिन तक वहीं रहा, उसके बाद सेवा करने लग गया, उसके बाद उसने अमृत छक लिया, सिख बन गया और वहां से कुल्लू मनाली नहीं गया, वापस चला गया, मुझे इंग्लैंड में मिला था वो, लंदन में। अच्छा। और वो पर्चे बांटता रहता है कि ये सिख जो हैं ये बहुत सीधे लोग हैं, इनको मालूम ही नहीं है इनके धर्म के बारे में, इन्होंने किसी को बताया ही नहीं है। मैं गोरा, मुझे पता लगा मैं सिख बन गया हूं, अगर ये बताते सारी दुनिया सिख बन जाती। वैसे भी गुरु ग्रंथ साहब में अल्लाह भी है, राम भी है, कान्हा भी है, माधव भी है, राघव भी है, वहां कबीर भी बैठे, शेख फरीद भी बैठे हैं, ये सारी मानवता का धर्म अकेले सिखों का नहीं है। कुरान में आपको भगवान नहीं मिलेंगे, गीता में आपको अल्लाह नहीं मिलेगा, ये मॉडर्न धर्म है, लेटेस्ट रिलीजन है, हर चीज का हम लेटेस्ट वर्जन ढूंढते हैं, तो भगवान के लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट नाम से क्यों भागना है? तो इसलिए मैं ज्यादातर वाहेगुरु पे जोर देता हूं, और जिन लोगों ने खोज की है। साहित्य पढ़ने का शौक, टाइम ही नहीं मिलता है। साहित्य पढ़ा शुरू में मुंशी प्रेमचंद जी को और जो भी राइटर्स थे, धर्मवीर भारती, नाटक वगैरह पढ़े जो लिखे थे, नाटक करते रहे, गिरीश कर्नाड को पढ़ा या और जिन लोगों ने लिखे थे नाटक भी, ज्यादातर जयवंत दलवी ने बहुत अच्छे नाटक लिखे, उनको पढ़ते रहे। अब तो नाटक की एक नई विधा आपने चालू करी, चित्राटक। चित्राटक देखिए, चित्र भी और नाटक भी। अभी हालांकि बॉम्बे में भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जी वालों ने भी कोशिश की और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, वो उसको प्ले बनाते हैं, सिने प्ले, सिने प्ले, सिने प्ले। लेकिन सबसे पहले मैंने ये प्रयोग किया था कि वन मैन शो, इट्स वन मैन शो, दो घंटे का है, सवा दो घंटे का, सावधान थिएटर वाला पागल है, ऐसा हिंदुस्तान में पहले नहीं हुआ। तो केवल वॉइस से आप पूरा एटमोस्फियर क्रिएट करते? नहीं, मैं सामने हूँ भाई। नहीं नहीं, मतलब सामने है, केवल आपकी आवाज से आप एटमोस्फियर क्रिएट करते हैं कि अब ये सीन चल रहा है, ये सीन चल रहा है, केवल उसके अंदर कुछ और बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं स्टेज पे जो मैंने परफॉर्म किया उस परफॉर्मेंस को ऑडियंस के रिएक्शन के साथ में हम लोगों ने शूट कर लिया, एडिट कर लिया। जी जी जी। और उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया चित्राटक, यानी चित्र भी है और नाटक और नाटक भी है। देखिए, नाटक पे जब भी फिल्म बनती, ओंकारा बनी थी तो नाटक मर गया, ओथेलो पे बनी थी, ओथेलो पे बनी, तो ओथेलो आपकी नजर नहीं आया। नहीं नहीं, अब ठीक है, नाटक की आत्मा मर जाती है। तो क्या किया जाए कि नाटक भी नजर आए और फिल्म भी हो, चित्र भी हो, तो ये दोनों को मिक्स किया, दोनों के जो हाईलाइट पॉइंट हैं, थिएटर की कंटिन्यूटी, क्योंकि वो तो कुआं खोद के पानी पीने वाला मामला होता है, उसमें रीटेक नहीं होता है। जी सही। और फिल्म में क्लोजअप होता है, साउंड बढ़िया होती है, बड़ी स्क्रीन होती है, तो वो दोनों को कनेक्ट किया और साथ में एक उसकी कॉन्सेप्ट बना के चित्राटक का वो हम लोग दिखाएंगे, भी हो सकता है यहीं जयपुर से शुरू करें आने वाले वक्त में, और इस शर्त के साथ में। लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको? मैं उससे ज्यादा लोगों से उम्मीद नहीं करता जो लोगों ने रिस्पांस दिया है। अच्छा। क्योंकि नई विधा है एकदम, उसको उसमें बांध के रखना बहुत मुश्किल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो रमेश सिप्पी साहब हैं या डिंपल कपाड़िया हैं, हमारे सेलिब्रिटीज इंडस्ट्री के जो देखने आए, एंड दे ऑल, उनके आप पढ़िए, कमेंट्स पढ़िए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सावधान थिएटर वाला पागल है, उसकी एक ब्रीफ कटिंग्स हैं, क्लिप्स हैं प्रमोशन के लिए, आप पढ़िए। तो इससे ज्यादा मैं कुछ ये जो आज एक अलग, थोड़ा सा अलग सा सवाल है कि वेब सीरीज का जो कॉन्सेप्ट आया है, क्या ये भी कहीं चित्राटक में आप इसको मैनेज कर सकते हैं आने वाले टाइम में? अगर हम इसके शोज करते हैं और मान लीजिए मुझे समय नहीं मिला, मैं नहीं कर पाया, तो हो सकता है मैं उसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि वेब सीरीज और ये जो यूट्यूब है,
वेब के जरिए, इससे ग्लोबल अप्रोच, दुनिया में कहीं बैठा कोई आदमी देख सकता है, ठीक है। तो उसके फायदे भी और नुकसान भी बहुत हुआ, उसके फायदे या नुकसान देखिए। अब यूट्यूब अगर पे करने लग गया, आपकी सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूअरशिप है, कुछ आपको देता रहता है, लेकिन कम से कम आपकी चीज दुनिया तक पहुंची तो लोगों को काम भी मिल रहा है, लोगों को काम भी मिल रहा है। और अब जो वेब सीरीज बन रही है बड़ी महंगी बन रही है, बहुत महंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ, क्योंकि फ्यूचर यही है कि आप फोन से अपने स्मार्ट टीवी जोड़िए और देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, समय नहीं है आदमी के पास टीवी के सामने बैठ के, कहां देखे, राह चलते कहीं राह चलते देख लिया। तो ये नई चीज है और आने वाले वक्त में ये रूल करेंगे, तो उसमें भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले जो उसका बड़े पर्दे पे उसको देखने का चार्म है वो एक अलग ही चार्म है। और चलते चलते युवाओं को क्या सीख देना चाहते हैं? देखिए युवाओं के लिए तो मैं ये कहूंगा कि माता पिता आपके पहले भगवान है, जिसके माता पिता रूठ गए उसका भगवान भी रूठ गया। और मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ शहादत, उसमें मेरे सीन डाले हुए हैं कि जिसने अपने माँ बाप की आत्मा को चोट पहुंचाई, आत्मा को तपाया, उनका अनादर किया, अपमान किया, वो कहीं भी भाग ले वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। और जिसने अपने माँ बाप को खुश रखा, युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो जिंदगी में सब कुछ हासिल करना, सवेरे उठ के अपने माँ बाप के पांव छुआ करें। पिता का स्थान सूर्य का है, माँ का स्थान गुरु का है। जिसका गुरु और सूर्य उच्च के हो जाएं, उसे कोई कमी नहीं रहती, पॉपुलर हो जाएगा। अब गुरु है तो बुद्धि चलेगी, ज्ञान आएगा। अगर उनको आप उच्च के करना चाहते हो, सवेरे उठते ही पहला काम माता पिता के पांव हाथ लगाओ, उनका आशीर्वाद लो, शाम को जाकर उनकी टांगे दबा ली, थोड़ी देर बैठ के बात कर ली, उनको खुश रखो, तो आपका सूर्य खुश है, आपका गुरु खुश है। आप देखिए कैसे, मेरे पास एग्जांपल्स की बात करता हूं मैं, ये फिर मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं पंडितों की तरह। जैसे कि एक आदमी निकम्मा था, आजकल फॉरेस्ट ऑफिसर है समराला में, पंजाब में। अच्छा। निकम्मा स्कूल नहीं जाना चाहता। आप तो बिल्कुल तरीके से कोट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, तो वो मेरे पास आया, तो ऐसे में बातें करने लग गया, तो उसको किसी ने, उसके पिता ने कहा पढ़ता नहीं है, तो उनके घर के पड़ोस में कोई आदमी रहता था, उसने कहा इसको समझाओ ये पढ़ने नहीं जाता है। कहा मैं तो खेत होते काम करने पढ़ देने, उसका फादर टीचर था, तो स्कूल में गया तुम बताना मत मेरे बेटे हो, इतना नालायक बेटा मेरा नहीं हो सकता। तो जो अंकल थे उसने कहा भाई तू मेरे साथ बात कर सकता है, उसको लगा ये कहेगा पढ़ने जाया करो, नहीं मैं तुझे पढ़ने के बारे में नहीं कहूंगा। कहना ठीक है, उसे बात करने लग गया, उसने मैं तुझे एक ही शर्त कहता हूँ, प्लीज इतना कर ले, स्कूल जाने के बाद नहीं कहूंगा। बताओ कहना सवेरे 4 बजे उठ के अपनी माता के पहुंच हुआ कर, तुमने 4 मेरी नींद नहीं पूरी होगी, कहना फिर सो जाया कर भाई, इतना कर ले, कहना कर लूंगा, कहना ये प्रॉमिस है, कहना प्रॉमिस है। तो कहना मैंने रोज सुबह 4 बजे उठ के, मेरी माता किचन में काम कर रही है या अभी उठने वाली है, मैं जाके पांव लगाता था और अपना बाहर सो जाता था। कहना 3-4 महीने मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं स्कूल जाने लग गया, एंड ही स्टार्टेड, ही वाज अ टॉपर। वो अपने स्कूल में टॉप, जब तक उसने पढ़ाई की उसने टॉप किया। उसका नाम शायद खुशवंत सिंह है, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता, फॉरेस्ट ऑफिसर है, और मेरे आश्रम में आ चुका है, उसने मुझे खुद ही बताया ये। तो मैंने कहा कि उस आदमी ने तुमसे ये कह दिया कि तुम जो माँ के पांव लगाओ, लेकिन इसका कारण क्या था ये उसने नहीं बताया। इसका कारण ये था कि जब माँ के पांव हाथ तुम लगाते हो और ब्रह्म मुहूर्त में 4 और 5 के बीच में, तो आपका गुरु उच्च का हो जाएगा। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो गुरु खराब होगा आपका, तो गुरु ठीक हो गया, आप टॉप करने लग गए। तो इसलिए भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जितनी बातें मैं लोगों से शेयर कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा स्वार्थ है। मान लीजिए आपके चैनल से सुन के कोई बच्चा अपने माँ बाप के पांव हाथ लगाने लग जाता है, उनको खुश रखने लग जाता है, उनको दुखी नहीं करता है, उसका जीवन बदल जाएगा। और अगर मेरी बात सुन के उसका जीवन बदला है, धन्य हुआ है, तो मैं पुण्य कमा लूंगा, ये मेरा लालच है। और उसका कुछ परसेंटेज आपके चैनल को और आपको ही मिले, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा। ईश्वर किसी का हक रखता नहीं है, वहां एप्लीकेशन ही देनी पड़ती है, इतने परसेंट मुझे दो, इतने दो आपको, वैसे ही वो किसी के साथ किसी का हक नहीं मारता है। आपके हिसाब से परसेंटेज में बांट देता है क्या? ये ऑटोमेटेड है, हमने जो जरिया बनाया हमारा 1% आ गया, आपने उस जरिए को कायम किया, आपका 1% आ गया। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। आजकल के जो तथाकथित मॉडर्न लोग हैं भगवान के नाम पे हंसते हैं, बहुत पहले शास्त्रों में लिखा था कि एक समय ऐसा आएगा जो भगवान की इसकी बातें करेगा, प्रार्थना की बात, लोग उसका मजाक उड़ाया करेंगे। वो यही समय नहीं तो और कौन सा समय है? नासा में जो कुछ गुरबाणी में लिखा हुआ उसको आज मान रहे हैं, बिल्कुल लख आगासा आगास पताला पताल, 550 साल पहले कहा गुरु नानक देव जी ने, नासा मानता। यस इट्स ट्रू, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल। एक एक कवाओ कीता पसाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ, नासा मानता। यस, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में वही हमारे शरीर में है, नासा मानता। वी आर पार्ट ऑफ द वन यूनिवर्स एंड वन यूनिवर्स इज विद इन अस। तो जब ये सारी बातें सत्य हैं, तो फिर ये जो कह रहा हूं ये भी सत्य है कि सुने दुख पाप का नाश, ईश्वर का नाम सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है। दुख है क्यों? दुख क्यों है? उसकी जड़ कहां है? पाप, पाप की वजह से। तो पाप को जब तक काटोगे नहीं दुख जाएगा नहीं, तो आप पाप का इलाज कैसे करें? हरिनाम, हरिनाम को क्या करना है? सुनना है ध्यान लगा के एकाग्रता से। तो सुनने से क्या होगा? अंदर जाएगा।
इस यूनिवर्स में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो हरिनाम। उसको इस्तेमाल कैसे करना है? कान के जरिए अंदर जाएगा। कबीर दास जी ने इसको उल्टी गंगा कहा कि मुंह से उचरना है, कान से अंदर लेना है। तो आत्मा में संचित पाप कर्मों को धोएगा, राहत मिलेगी, यकीन आएगा, आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। आप आधे घंटे की बजाय फिर जीवन ही आपका प्रार्थनामय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। चलिए, जिस तरीके से मंगल ढिल्लो साहब से अभी बात चल रही थी और हमने इस चर्चा में जाना कि डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं अच्छे कर्म कीजिए तो शायद आपको बहुत कुछ अच्छा भी मिलेगा। और भगवान का नाम लेना जरूरी तो है ही, परंतु उसको मन लगाकर अगर भगवान का नाम आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये साधना में भी तब्दील हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।